वेलकम वेलकम शाहीना का किचन में वेलकम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल ही इजी वे में बताने जा रहे हैं चिकन फ्राई गार्लिक दावतों वाली। ये मेरा 1 kg चिकन है। ये आज बच्चे सब ने चमड़े वाला ले लिया है। ऐसा बनता है, चमड़े का ही गोश्त अच्छा लगता है, लेकिन कुछ में चमड़ा है कुछ में नहीं है, जो प्लेट वाला गोश्त है। ये 1 kg है, मैं इसको बनाएंगे। एक अंडा है, ये गार्लिक पेस्ट है, ये चावल का आटा, बेसन, कॉर्नफ्लावर, ये कस्तूरी मेथी, ये धनिया पाउडर, मिर्च है, ये चिली फ्लेक्स, गोल मिर्च, ये आपको जीरा पाउडर, और ये कश्मीरी मिर्च, गार्लिक क्रश किया हुआ, धनिया पत्ता, नींबू। अब मैं एक एक सामान इसमें डालेंगे और सबको मिलाएंगे। 1, 2, 3 चम्मच हमने गार्लिक पेस्ट लिया, नींबू लेंगे, नींबू डालेंगे, जूस जरूरी पड़ेगा, बहुत अच्छे से ये बनेगा और बहुत अच्छा लगता भी है। थोड़ा सा हमने नींबू दिए, इसमें दही नहीं पड़ता है, इसलिए जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए कैसे नींबू गाढ़ा जाता है, खूब अच्छे से गाड़िए। मजे से 1 चम्मच के अंदाज निकल गया रस। अब मैं इसमें जो जो सामान दे रहे हैं, देखें क्या क्या दे रहे हैं। 1, 2 चम्मच हमने दिया कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच हमने दिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच हमने दिया काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने दिया नमक, 1, 2, 3, 4, 5 चम्मच हमने लिया बेसन, और 1, 2, 3 चम्मच हमने लिया चावल का आटा, और 1 ये कस्तूरी मेथी, एक अंडा, आप चाहिए तो सफेदी खाली ना दीजिए, ये सफेदी दीजिए, जल्दी ना दीजिए, मैंने दोनों चीज लिया है, मैं दोनों चीज दूंगी। अब मैं इन सारे चीज़ों को मिलाएंगे, मिला करके इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, जब तक दूसरी तैयारी करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। ये बिल्कुल ही यूनिक तरीके का मैं बना रही हूँ दावतों वाले, मेहमानों वाले वाहवाही करने के लिए। ये सारी चीज़ें बनाइए और वाहवाही लूटिए, लोग पूछेंगे, एकदम यकीन पूछेंगे कि ये स्टार्टर आपने कैसे बनाया, ये रेसिपी कैसे बनाया। ये देखिए अब मैं एक एक करके अच्छे से सब में मसाले को मिला करके इसको रख देंगे, ताकि पूरा अच्छे से मसाला एक एक पीस में
ये पेवस्थ हो जाए। मिलाना ज़रूरी है। अब एक चम्मच इसमें तेल भी देना। यह हमने थोड़ा सा एक चम्मच तेल लिया और थोड़ा सा फूड कलर लेंगे। आपका दिल चाहता है तो दीजिए, न दिल चाहता है तो न दीजिए। सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको छोड़ देंगे एक घंटे के लिए, जब तक दूसरी तैयारी करेंगे, जब तक ये अच्छे से वो करके रहेगा मिलकर के। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया, कलर भी आ गया। बिल्कुल ही कम मसाले वाला सामान है, मसाला इसमें है ही नहीं। आपने देखा ही, क्योंकि ये गार्लिक है, सिर्फ इसमें गार्लिक ही रहेगी। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ। आधा घंटा हो गया, अब मैं एक एक पीस निकाल कर लाही जमाने खा जाता है। एक पीस डाल करके तेल गर्म नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, इसमें तेल गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे इसको तलना चाहिए ताकि कच्चा नहीं रहे। बस इसको बिल्कुल डीप फ्राई करना। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल ही धीरे धीरे तलना है। एक एक बैच 10-10 मिनट लगता है तलने में। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ वैसे ही मैं बोल रही हूँ, जैसा मैं तलती हूँ वैसे ही तलिएगा तो कभी भी कोई चीज़ कच्चा नहीं रहेगा, वरना कच्चा हो सकता है। इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे। एकदम से दिमाग खराब करके अच्छे से तेल गर्म हो गया, देखिए पूरा उबल रहा है। अब इसको मैं एक एक पीस, जितना पीस इसमें अटेगा एक एक डालते चले जाएंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत बहुत लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कल क्या डालें, कल क्या डालें। तो आज हमने सोचा क्या कि चिकन बहुत दिन से नहीं बनाया फ्राई, चिकन फ्राई डालते हैं बना करके, और बच्चे सब भी शाम में अपना खा लेंगे। जितना पीस आटता है उतना डालिए, जितना खेप में निकलता है, जितना बैच में उतना बैच में इसको निकालिए। बहुत अच्छे से मसाला कोट हो गया। अब मैं थोड़ा सा आँच को स्लो कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कच्चा रह जाए। कच्चा नहीं रहना चाहिए तलने में। फूड कलर दिए हैं सिर्फ रेड कलर होने के लिए, और कोई बात नहीं है। उसके लिए हमने क्यों दिया है, इसको ऐसा करके रखे हैं, इसमें तेल गर जाएगा तब इसमें निकाल निकाल के उलटते जाएंगे। भी ठंडा होता है तो दिखाते हैं कि ये मेरा गला है कि नहीं गला है। अभी ये नहीं तलाया है, इतना अच्छा कलर हो गया। कलरफुल होने से यही फायदा होता है, खाली कलर दिखता है, कोई मज़ा वगैरह चेंज नहीं होता है कलर से, बस खाली देखने में अच्छा लगता है। इसलिए तो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, देखिए पूरा गला हुआ, हमने कहा था ठंडा होता है, मैं दिखाती हूँ गल गया पूरा अच्छे से। इसलिए इसको हमने तल करके दिखाया आप लोगों को। ये तला चुका, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो चिकन गार्लिक फ्राई है रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब रेसिपी होती है। चिकन तो खट चिकन सभी को पसंद आती ही है, होना ही है। अब इसको रख दिया हमने तेल गर्मने के लिए, और ये पहला बैच हमारा तला गया। अब ये सेकंड बैच में डाल रही हूँ। गोश्त का पीस रहता है तो तलने में अच्छा लगता है, जल भी जाता है। ऐसा अगर चिकन का
हड्डी वाला भी खाइए तो भी अच्छा लगता है, तला हुआ चिकन। ये तीसरा बैच मैं तल रही हूँ। ये एक केजी फ्राई में मुझे 300 ग्राम लिए थे, फिर भी मेरा तेल बहुत बचा हुआ है। ये आप लोगों का अंदाज होगा ही, 200 ग्राम का लगभग मेरा तेल बचा हुआ है, बच जाता है तेल। देखिए बहुत सारा बचा हुआ है, अभी ये कच्चा है इसलिए पूरा फेन है। अब इसके तलाई कर तलने के बाद मैं आगे का प्रोसेस सब दिखाएंगे, इसको मैं कैसे करेंगे। यहीं तक इसका सीमित नहीं है कि यहीं पर मुझे रोक देना है, नहीं, इसके आगे भी बहुत अच्छा भी करेंगे। गार्लिक चिकन है फ्राई, इसमें क्या क्या देंगे, क्रीम डालेंगे, वो क्रीम मैं बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी वो दिखाएंगे। एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया, मैं ऐसे घोलेंगे रूम टेम्परेचर पर। ये मेरा दूध है, इसको मैं घोल करके इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद से इसको चढ़ाएंगे, चढ़ा के इसको गाढ़ा करेंगे। क्रीम बनाना है मुझे, मलाई क्रीम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये सब देखेंगे। ये मलाई क्रीम बनाएंगे जो कि चिकन में डालेंगे। अब मैं इसको डाल दिया, अब इसको चला रहे हैं। आप गैस ऑन करके इसको गैस पर चढ़ाएंगे। अब इसको मैंने चढ़ा दिया है, अब ये ठीक होगा, उसमें और सारी चीज़ देंगे। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ पड़ेगा, देखेंगे क्या क्या डालेंगे। ये बहुत अच्छे से ये क्रीमी हो गया, क्रीम बन गया। देखिए हमने कहा था ना कि मैं क्रीम बना करके दिखाऊंगी कैसे बनाई जाती है। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक एक सामान खाली धीरे धीरे हल्का हल्का देंगे। एक आधे चम्मच नमक दिया क्योंकि हमने चिकन में भी नमक दिया है, मसाले में भी दिया है। ये एक आधे गोल मिर्च पाउडर आधी चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर, इसमें कोई भी मसाला नहीं जाता, मैं पहले से ही बोल रही हूँ इसमें कुछ भी नहीं जाता। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही लजीज ये बनता है। अब इसको और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, यह भी और गाढ़ा होगा। अच्छे से ये गाढ़ा हो गया, अब मैं इसमें ये चिली फेंक दिया। अब आप लोग कहेंगे आंटी बोलती हैं कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ देती जा रही हैं, लेकिन मसाला कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने देखा। अब इसमें एकदम हल्का सा भी धनिया पत्ती देंगे, अभी नहीं, एकदम हल्का सा, बस हो गया। अब इसको बंद करेंगे। अब इधर अब मैं दूसरा, अब तीसरा प्रोसेस करेंगे। ये दूसरा प्रोसेस था, अब तीसरा करेंगे होगा, उसके बाद इसको उतारते हैं। अब ये जब तक ये ठंडा होता है, जब तक मैं तीसरा प्रोसेस, इस रेसिपी का तीसरा पड़ाव मैं करने जा रही हूँ। अब मैं मक्खन ले रही हूँ, इसमें हमने मक्खन दिया। आप चाहें तो घी भी दे सकती हैं, हमने मक्खन दिया, दोनों एक ही चीज़ है। घी अगर नहीं है तो मक्खन दीजिए, और मक्खन है तो नहीं है तो घी दीजिए। अब मैं इसमें ये गार्लिक को जो कटे हैं इसको हमने डाल दिया। अब ये जब तक ये थोड़ा सा रखता है तब फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं इसके आगे क्या करूँगा। पूरा अच्छे से ये गुलाबी कलर का हो गया। अब मैं इसके अंदर ये चिकन जो फ्राई करके रखा था इसको डालूंगा। अब हमने गैस को धीमा किया है, अब ये आखिरी पड़ाव है, अभी एक और पड़ाव डालेंगे। अभी अब हमने गैस को बंद किया,
रोज आना, एक ये सब पसंद आएगी, कौन नहीं ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं कह सकती किसमें मेरा कौन चैनल वायरल हो जाएगा, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये सब वक्त वक्त की बात है, कब क्या हो ये नहीं कह सकते। अब मैं इसको निकाल के दिखा रहे हैं, इसके अंदर हमें फिल्म नहीं देना, अगर फिल्म नहीं है आपके पास छाली है तो वो भी थोड़ा सा इसमें दे सकती हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये क्रीम डाल रही हूँ जो हमने बनाया, जो हमने कहा कि आप लोग भी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, बहुत ही शानदार। ये हमने डाल दिया, बहुत ही मुंह में पानी आ रहा है ना देख करके, लग रहा है ना कैसे अभी फौरन जल्दी से बना लें, बच्चे सब तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, देख रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा धनिया पत्ते से गार्निश कर लिया। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।